नमस्कार किसान भाइयों, एग्री ट्रैक्टर सेल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रिव्यू और स्पेसिफिकेशन करूंगा मैसी फर्ग्यूसन 241 DI जो ट्रैक्टर आप कंपनी ने फोर व्हील ड्राइव में कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की HP के बारे में। यह ट्रैक्टर आपको 42 HP 3 सिलेंडर बोश कंपनी के इनलाइन पंप के साथ मिलेगा। और अब बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में। जो ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दे रखा है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगा है। एक रॉड इधर है और एक रोड इधर डल रही है। वो ट्रैक्टर में कूलेंट साइड में दे रखे है कंपनी ने। ट्रैक्टर में कूलेंट लगा है और आपको अल्टीनेटर के ऊपर एक गार्ड चढ़ा हुआ मिलेगा। फ्रंट पे आपको 2 लाइटें और मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा। काफ़ी हैवी जाली लगी हुई आगे। ऑयल बास टाइप एयर क्लीनर दे रखे है ट्रैक्टर में। नीचे की ओर आपको एक हैवी ड्यूटी बम्पर देखने को मिलेगा जो कंपनी फिटेड है, कंपनी खुद दे रही है। बम्पर के साथ साथ छोटी हिच भी बना रखी है भाइयों। इसमें वाटर सेपरेटर दे रखा है जो कि अगर आपकी फुल में पानी हो तो ये जो रेड रिंग है पानी में तैर जाता है, उसको आप यहाँ से लूज करके पानी को नीचे निकाल दो और जो आपके ट्रैक्टर में फ्यूल है साफ होकर आगे जाता रहेगा, जिससे इंजन को कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। और 1 फुट स्टेप दे रखे है ट्रैक्टर में। किसान भाई काफ़ी अच्छी सीट दे रखी है ट्रैक्टर में, एडजस्टेबल सीट है। किसान इस लीवर से इस सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेंटर गियर बॉक्स में किसान भाई ट्रैक्टर है जिसमें आपको 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। और इसमें ऑप्शनल है किसान भाइयों, आप 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स में भी ले सकते हैं और 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स में भी ले सकते हैं। 10 फॉरवर्ड 2 रिवर्स में ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के जो मीटर हैं वो डिजिटल मीटर क्लस्टर देखे हैं, काफ़ी स्टाइलिश हैं, जिसमें से आपको ये ऑयल प्रेशर, ये बैटरी, ये RPM, यहाँ पे हावर्स आते हैं लिखे हुए और यहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे ऑयल के लिए मिलेगा। ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी लंबाई है और साइलेंसर है जो ट्रैक्टर को साइड में कर रखा है कंपनी ने। यहाँ पे आपको नीचे की ओर लिफ्ट के लीवर देखने को मिलेंगे जो कि ये बेसिक पोजिशन कंट्रोल के लिए है, ये ड्राफ्ट के लिए है। और जो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर की ब्रेक हैं वो ऑयल इमर्स्ड जिसकी ब्रेक दे रखे हैं ट्रैक्टर में। और ये हाथ वाला एक्सीलेटर दे रखे हैं और ये पैर वाला दे रखा है छोटा सा। और यहाँ पे आपको जैसे कार में होता है वैसे लीवर दे रखे हैं आपको लाइट वगैरह के लिए। और नीचे आपके रिफ्लेक्टर बटन मिलेगा जिसको आप ऑन करेंगे तो आपके ट्रैक्टर के चारों इंडिकेटर है मुड़गाड़ वाले वो अप डाउन करेंगे। नीचे की ओर इंजन को स्टॉप करने के लिए दे रखे हैं। और जो किसान भाई इस ट्रैक्टर का स्विच है वो कंपनी थोड़ा अंदर देती है और बाहर रबड़ की ब्रांडी के साथ, जैसे अगर चाबी वगैरह निकल जाए तो इसमें टिक जाएगी, वो नीचे निकलेगी। और किसान भाई ट्रैक्टर में कंपनी ने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं 12 वाट का। स्टेयरिंग के ऊपर आपको एक मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग है किसान भाई ट्रैक्टर का। और यहाँ पे आपको बड़े टाइप का लीवर देखने को मिलेगा पार्किंग ब्रेक के लिए, जिसको पार्किंग ब्रेक बोलते हैं। अगर आपने ट्रैक्टर कहीं पे ऊंचाई पे खड़ा करना है तो इसको पार्किंग ब्रेक को लगा दो तो आपका ट्रैक्टर वहीं पे रुक जाएगा। काफ़ी अच्छे पार्किंग ब्रेक दे रखे ट्रैक्टर में। और किसान भाइयों जो इसका क्लच है वो डुअल क्लच है, जो कि PTO का क्लच है वो भी पैडल में ही है। और यहाँ पे नीचे आपको PTO पावर का गियर देखने को मिलेगा जो कि आगे करोगे ऑन और ये आप ऑफ हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको किसान भाइयों एक लीवर देखने को मिलेगा 2 व्हील ड्राइव के लिए, 4 व्हील ड्राइव के लिए, जिसको आप ऊपर करोगे तो 2 व्हील ड्राइव और नीचे करोगे तो 4 व्हील ड्राइव हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे और स्टाइलिश मड़गार्ड दे रखे हैं ट्रैक्टर में। मड़गार्ड के ऊपर सपोर्टें लगी हुई हैं, अगर कोई साथ में बैठे तो उसको दिक्कत वगैरह ना हो। यहाँ पे किसान के चढ़ने के लिए एक सपोर्ट दे रखी है। और जो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक है वो 47 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है कंपनी ने, जो कि बोनट के अंदर कवर किया गया है, कोई छेड़खानी वगैरह ना कर सके। और आप बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर्स के बारे में। जो ट्रैक्टर के रिवर्स टायर हैं वो आपको 13/6/28 के मिलेंगे और जो ट्रैक्टर के फ्रंट टायर हैं वो आपको 8/3/24 के मिलेंगे 4 व्हील ड्राइव के अंदर। जो किसान भाई उसका पिछला एक्सल है वो पैलेंट्री प्लस है और टॉपलिन कंपनी साथ दे रही है और इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे हैं जैसे लाइटें लगवाने के लिए और 1 डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है हाइड्रोलिक काम करने के लिए।
लेफ्ट मिड गार्ड पे आपको एक बड़ा टूल मिलेगा फाइबर का। और किसान भाइयों जो इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर है वो 36 HP की पीटीओ पावर है, और जो इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। और पीछे सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर दे रखा है कंपनी ने, और राइट साइड में वाटर मोटर स्टैंड दे रखा है, और राइट मिड गार्ड पे आप कंपनी ने लाइट दे रखी है किसान को रात को काम करने के लिए। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बनाया हुआ है कंपनी ने। और किसान भाइयों इसमें एक बात और है, कंपनी ने दोनों साइड स्टे बार दे रखे हैं, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, और दोनों लिंकों में जैक दे रखे हैं। किसान अपने हिसाब से किसी भी लिंक को छोटा या बड़ा कर सकता है। तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बना रखा है कंपनी ने। तो किसान भाइयों कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।